राजा खेड़ा के बस सही घी आराम से गोगो मेड़ी के लिए दर्शन करने गए लगभग 18 श्रद्धालुओं के टेम्पो को रोहतक के पास बस ने पीछे से रौंद दिया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 1 दर्जन महिला पुरुष और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें बसई घियाराम के राम सेवक पुत्र तेज सिंह जाटव उम्र 32 वर्ष, काजल पुत्री भगवान सिंह जाटव उम्र 15 वर्ष निवासी बसई घियाराम, राजेंद्र पुत्र तेज सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी कासगंज मनिया, गुड्डी पुत्री विप्तिराम उम्र 48 वर्ष की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना में चश्मदीद राम बाबू ने जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। मनोज राघव की राजा खेड़ा से रिपोर्ट। कैसे ये सड़क हादसा कैसे हुआ है? ऐसे हुआ है कि हमारी गाड़ी आगे चल रही इशार के लमसम इशार हम पहुँच गए जिला इशार और पीछे से बस आई है, बस ने पीछे थे और हमारे जो टेम्पू छोटा हाथी टेम्पू है उसमें टक्कर मार दी है एक साड़ी और हमारी सारी सवारी एकदम जड़गा रहे हैं। अपने यहाँ से कितने लोग गए थे? लोगों तो गिने ना मैंने, पर बैठे हैं छोटे पतरे नए बच्चे 25-30 के लमसम में बैठे हैं। कितने घायल है लगभग? वो घायल तो सारे ही घायल है, सारे ही घायल है पूरे। खत्म कितने हुए? फिलहाल में 4 खत्म हो गए हैं और सब सीरियस में। कहाँ के लिए जा रहे थे आप? गोवा मेडी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कितने लोग थे उस टेम्पो में? 18-20 लोग। और लोगों की क्या हालत है? और सब घायल हो गए। सब लोग घायल हैं? सब घायल हैं। कहाँ इलाज चल रहा है उनका? उनका इलाज कछु टीढ़ की हड्डी लगी चोट है उसका, कभी खोपड़ी की है, कभी टूट फूट सवन के है। नहीं, इलाज कहाँ चल रहा है अभी उनका? इलाज चल रहा है इसार में। सारे लोग वहीं हैं? हाँ, बाकी सब इलाज इसार थे कछु आगे पीछे हॉस्पिटल में।